मरीज अस्पतालों में लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर, लेडी हेल्थ वर्कर्स की अना बरकरार। तीसरे रोज भी मॉल रोड पर डेरे, चटाइयां, दरियां और चादरें बिछाकर धरना। मुतालिबात का नोटिफिकेशन मिलने तक फैसल चौक से उठने से इनकार। मरीज अस्पतालों में मसीहाई के मुंतजिर। तीसरे रोज धरने में सियासी रंग भी चमकने लगा। समीना खालिद घुरकी की क्यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की फैसल चौक आमद। हेल्थ वर्कर्स से इजहार यकजहती। समीना खालिद घुरकी ने कहा कि हुकूमत मुतालिबात जुबानी कलामी नहीं, अमली तौर पर पूरे करे। लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ खवातीन जैसा ही सलूक किया जाए। मुज़ाकरात अगर आप मुझे बता दीजिए ना किस चीज़ पे वो करना चाहती हैं, अगर आपको पता चला कि किस चीज़ पे करना चाहती हैं, जो जो डिमांड्स थी वो आपके सामने गिन के मैंने सारी बता दी। हूँ मैं समझ नहीं आती मुज़ाकरात किस चीज़ से मैं कर रहा हूँ, कि तुझे उठना है, बैठना है, कि करना, खड़े होना है। वो कहते हैं असं बहना, मैं कुछ बह जाओ, तो अनपता से तो किसी में मना ही नहीं कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं इलाज नहीं कराना, उसके ना कराओ, उन्होंने कहा मैं इलाज कराना, उसके करा लो। मतलब असी अब हम तो उस तरह के लोग हैं जो किसी को तंग किए बगैर, परेशान किए बगैर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबके मसले मसाले। तमाम मुतालिबात मान लिए तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के? हेल्थ वर्कर्स ने उठना है उठ जाएं, बैठना है बैठ जाएं। वज़ीरे सेहत का दो टोक मौकिफ। यास्मीन राशिद कहती हैं सियासत में जिंदा रहने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं, मैंने खुद लेडी हेल्थ वर्कर्स का काम किया है। करो अलार्म्स बढ़ाओ, सेक्रेटेरिएट के बाहर असातज़ा का एहतजाज। हुकूमत को मुतालबात पूरे करने के लिए 28 मार्च तक की डेडलाइन। अदम मंजूरी पर सेक्रेटेरिएट चौक में दो रोजा धरने का ऐलान। 1 अप्रैल से क्लासों के बायकॉट की धमकी। डेफ क्रिकेटर्स भी मुतालबात के हक में सड़कों पर, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में धरना। डेफ क्रिकेटर्स के लिए नए आइन का मुतालबा। मुतालिबात की अदम मंजूरी। पेफ पार्टनर स्कूल का 27 मार्च को तमाम अजला में एहतजाज का ऐलान। ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एसोसिएशन का इजलास। अहम फैसले मतवक़े, नए दाखिलों की इजाज़त न मिलने पर धरने की धमकी। बैनर्स उतारने पर जिले इंतजामिया और पीएचए में सर्द जंग। पीएचए ने आगाही बैनर्स उतार दिए। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को नाकाम बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर सोले सईद का डीजी पीएचए को खत। डीजी पीएचए फैसल जहूर ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कोई बैनर्स और स्टीमर्स नहीं उतारे, ना क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को मुतासर किया। डिप्टी कमिश्नर का जवाबी मरासला। पंजाब सरकार में आवाम पर महंगाई का एक और वार। अकबरी मंडी स्टेक होल्डर्स ने अशिया खुरनोश आज खुद महंगी कर दी। डीसी रेट से तजावुज करते हुए दाल माश की कीमत 30 रुपए फी किलो बरकरार। बेसन 12 रुपए, दाल चना 15, दाल मसूर 13 रुपए महंगी। सुर्ख मिर्च, दाल मूंग की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। महंगाई से आवाम को एहसास हो चुका, तब्दीली आ गई है। कारोबार बंद है, मईशत तबाही के दहाने पर है। हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मशावरत नहीं कर रही। बर वक्त तैनाती ना हुई तो मामला कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। जब मुश्किल पड़ती है तो हुकूमत को अपोजिशन याद आ जाती है। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान पर बात ऐवान में होगी। सरदार या सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट की आदम फरहमी के खिलाफ एहतजाज का मामला। मुजाहरीन से तलबा तंजीम के रुकन की मुबैना बदतमीजी। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा का वीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। तशद्दुद करने वाले तलबा तंजीम के कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। तर्जुमान पुलिस की जानिब से कहना है कि तलबा और जमीयत का कारकुनों में तलकलामी हुई, पुलिस ने मामला रफा दफा करवा दिया। दरख्वास्त मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की तबीयत खराब, कल भी किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। हमें और पूरी कौम को नवाज शरीफ की जरूरत है। दुआ है कि वो जल्द रूबा सेहत हों
और अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बत का शुक्रिया अदा करती हूँ, मरियम नवाज का ट्वीट। ट्रेसा की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुनशियात केस में गैर मुल्की मॉडल को 8 साल कैद की सजा। अदालत के मुजरिमा को 1,13,000 रुपए जुर्माने की भी सजा। फैसला सुनकर मॉडल ट्रेसा रोने लग गई। बोली, अदालत ने फैसला हकायक के बरक्स सुनाया। शरीक मुलजिम हाफिज को शक की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। कस्टम हुकाम ने मुलजिमा को 8 किलो हेरोइन स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया था। इमाम इकबाल ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सेनेटर वलीद इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा की जानिब से मिली नगमे और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से टैबलोज पेश किए गए, जिसे शुरका ने खूब सराहा। लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए एक और मुश्किल। प्रोड्यूसर बिलाल लाशारी को कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करने का एकदम, अदालत में चैलेंज। बिलाल लाशारी ने गैर कानूनी तौर पर कॉपीराइट सर्टिफिकेट जारी करवाया। दरख्वास्त गुजार का मौका।